नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं कमल। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई हो पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। धारा 370 पर नजरबंद किए जाने के बाद इन दोनों को अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी भी अब खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी मां यानी कि महबूबा मुफ्ती के लिए गुहार भी लगाई थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में लिखा कि शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि उसे अपनी माँ से मिलने की इजाज़त देने के लिए जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। एक तरफ 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। इस याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस ए नज़ीर की पीठ के सामने गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अपने वकील आकर्ष कामरा के जरिए शीर्ष अदालत में लगाई याचिका में महबूबा की बेटी ने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि वह पिछले एक महीने से उनसे नहीं मिल सकी है। इस मामले में याचिका दाखिल की गई और इस पर उन्होंने इसके लिए ठीक वैसे ही राहत की मांग की है जैसी कि शीर्ष अदालत ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर उन्हें दी थी। येचुरी ने अपनी पार्टी के सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारीगामी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनसे मिलने की इजाज़त देने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने 19 अगस्त को उन्हें तारीगामी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। माना जा रहा है कि गुरुवार को शीर्ष अदालत ने वैसे ही शपथ पत्र की मांग कर सकती है जैसा येचुरी ने किया था। शीर्ष अदालत ने येचुरी को तारीगामी से मिलकर सिर्फ उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने की इजाज़त दी थी, साथ ही इस दौरे में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंध किया गया था। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज जम्मू कश्मीर में जब नज़रबंद किए गए, जम्मू कश्मीर में हालात बेहद ख़राब हो जाते, इस तरह के हवाला देकर सरकार ने उसे नज़रबंद किया था, लेकिन अभी भी उन्हें नज़रबंद किया गया है। इस पर तमाम तरह की अटकलें ये भी है कि वो कब छुटेंगे, कब बाहर आएंगे और लोगों से मिलेंगे, लेकिन इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। माना यह जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर सरकार इस मामले पर बड़ा फैसला ले सकती है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।